कुचामन सिटी के निकट सिक्कर रोड शेषमा के पास स्थित मारवाड़ केसरी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में शुक्रवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर बता दें अंतर्राष्ट्रीय जम्बूरी में हिस्सा लेने वाली स्काउट्स गाइड ने 101 पेड़ पौधे लगाए। हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में संस्था निदेशक रामेश्वरलाल मावलिया ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। हमें जीवन में पेड़ों के महत्व को समझना और समाज को प्रेरित करना चाहिए। उन्होंने बताया पेड़ नहीं होंगे तो वातावरण का प्रदूषण सांसों में जरूर घोल देगा, इसलिए अधिकाधिक संख्या में वृक्षारोपण की सख्त आवश्यकता है। इस कार्यक्रम में स्काउट्स गाइड्स ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रत्येक स्काउट्स गाइड्स ने प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाने का संकल्प लिया तथा पेड़ों की निरंतर देख रेख करने की भी शपथ ली। संस्था के अभियान चल रहा है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करना चाहिए और हर नागरिक को वर्ष में कम से कम एक पौधा तो जरूर करना चाहिए। क्या मैसेज देना चाहेंगे इनको? कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाना चाहिए और जितनी हरियाली होगी उतना ही हमारा देश अच्छा है। क्या नाम है आपका? रेखा मोहन। को लेकर हरियाणा राजस्थान अभियान चलता है। वृक्ष हमारी धरती का श्रृंगार है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि कम से कम एक पौधा साल में लगाएं। पेड़ों से पर्यावरण शुद्ध रहता है। महाविद्यालय परिसर में आज कितने पेड़ लगा रहे हो और ये अभियान आपका हर वर्ष चलता रहता है? हमारा ये वृक्ष लगाने का स्काउट्स गाइड्स के द्वारा जो प्रोग्राम वो हर वर्ष चलता है। अभी इस साल 101 पौधा लगाने का हमारा उद्देश्य है। अगली खबर राजस्थान सरकार के खिलाफ कुचामन सिटी से है, जहां अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जयपुर के आह्वान पर ग्राम विकास अधिकारी संघ कुचामन सिटी ने राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में राज्य कर्मियों के वेतन से एक व दो दिन का वेतन अनवरत काटने का निर्णय लिया, जिससे राज्य कर्मचारी में भयंकर असंतोष व्याप्त है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला संरक्षक पुष्पराम डाखा ने कहा कि सरकार का वेतन कटौती आदेश कर्मचारी विरोधी अनुचित व असंवैधानिक निर्णय का विरोध करते हैं। इस अवसर पर ग्राम विकास अधिकारी प्रभुराम दया, नदीम अहमद, अभिषेक मोदी सहित समस्त ग्राम विकास अधिकारी मौजूद रहे। यहां पर कर्मचारियों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। बड़ी समस्या, राजस्थान के विभिन्न शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्र सहित कुचामन सिटी में एक बार फिर गोवंश की भरमार हो गई है। बता दें मुख्य सड़कों पर हाईवे पर घूम रहे गोवंश कभी भी राहगीरों एवं वाहन चालकों के लिए मौत का सबब बन सकते हैं। कुचामन शहर में ही नहीं अपितु पूरे राजस्थान में सड़कों पर एवं बाजारों में गोवंश की हो रही बढ़ोतरी से किसानों सहित आमजन की परेशानी बढ़ा दी है। इस परेशानी को देखते हुए कुचामन शहर में भगत सिंह युद्ध ब्रिगेड के कार्यकर्ताओं ने गोवंश के गले में रेडियम पट्टियां डालने का अभियान शुरू किया, ताकि गोवंश से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।